ये बहुत ही गलत फैसला है। मोदी जी ने जो आश्वासन दिया था और सरकार ने सत्ता में आने के पहले जो लोगों को डेढ़ पट का आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं हुआ। 200 रुपये बढ़ाना यानी एक चाल है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। इसमें किसान का कोई फायदा होने वाला नहीं है। धान के बारे में तो एक मजाक ही है, इसमें खर्चा बहुत बढ़ गया। 200 रुपये से क्या बढ़ने वाला है, इसका दाम कम से कम 2400-2500 रुपये क्विंटल होना चाहिए। डीजल का रेट कितना चला गया, क्या 70 रुपये रेट हो गया, लेबर महंगी होगी, या आज के हिसाब से सभी लाइए भी ट्रैक्टर कितने महंगे हो गए, 7-8 लाख का ट्रैक्टर आ रहा है, तो 200 रुपये में तो हमारी लागत भी नहीं पूरी हो सकती। 200 रुपये नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1000 रुपया एकड़ का तो पिछले साल से लेबर का कॉस्ट बढ़ गया है, उसके अलावा डीजल का रेट बढ़ गया है, जो ट्रैक्टर मशीनरी वगैरह पे 28% तक GST लग गया है, जो पार्ट्स वगैरह हैं उनका रेट कहाँ चला गया है, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हैं खाद हैं उनका रेट कहाँ पर चला गया है, उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, बहुत निगुनी कीमत है। ऐसे तो जो खर्चे बढ़े हैं वो भी कम्प्लीट मेरे हिसाब से पूरे नहीं होते। डीजल के रेट आप देख लें, GST हमारी खादों पे लगी है, कीटनाशकों पे लगी है, खेती मशीनरी पे लग गई है। सो हमारा तो कह लो भी सालाना धान के ऊपर 200 रुपया जो है वो लागत खर्चा बढ़ जाता है, ये बहुत ही कम है। इससे किसानों की खुदकुशियां रुकने वाली नहीं है। अगर मोदी सरकार सिंसियर है, सारा कर्ज किसानों का खत्म करे और जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक है उस तरह से भाव दे।